सीएम योगी का बड़ा फैसला, धार्मिक जुलूस के लिए इजाजत लेना होगा जरूरी। नमस्कार आदाब, मैं हूं सबानो सिद्दीकी और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। रामनवमी के मौके पर देश भर के कई राज्यों से हिंसा की खबरें सामने आई। इसके अलावा हाल ही में दिल्ली में हनुमान जयंती पर निकली शोभा यात्रा के दौरान हुए उपद्रव के बाद योगी सरकार अलर्ट मोड में है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए योगी सरकार ने अफसरों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक 4 मई तक सारे अफसरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। जो अवकाश पर है उन्हें 24 घंटे के अंदर ऑफिस ज्वाइन करने को कहा गया है। सोमवार को हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिस में सभी मंडलों के मंडलायुक्त, पुलिस आयुक्त, एडीजी जोन, आईजी और डीआईजी शामिल थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व त्योहार है। रमजान का महीना भी चल रहा है, ईद का त्योहार और अक्षय तृतीया एक ही दिन होना संभावित है। ऐसे में वर्तमान परिवेश को देखते हुए पुलिस को अतिरिक्त संवेदनशील रहना होगा। सीएम का आदेश है कि थाना अध्यक्ष से लेकर एडीजी तक अगले 24 घंटे के भीतर अपने अपने क्षेत्र के धर्मगुरुओं और समाज के अन्य सम्मानित लोगों के साथ संवाद बनाए। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाए। ड्रोन का उपयोग कर स्थिति पर नजर रखी जाए। हर दिन शाम को पुलिस बल फूट पेट्रोलिंग जरूर करे। पीआरवी 112 एक्टिव रहे। सीएम ने कहा कि धार्मिक विचारधारा के अनुसार सभी को अपनी उपासना पत्ति को मानने की स्वतंत्रता है। माइक का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन ये सुनिश्चित हो कि उसकी आवाज परिसर से बाहर ना आए। अन्य लोगों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। धार्मिक कार्यों के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हो सकता है। नए स्थलों पर माइक न लगाए जाए। शोभा यात्रा जुलूस बिना अनुमति के नहीं निकलेंगे। सौहार्द ना बिगड़ने पाए इसके लिए आयोजकों को शपथ पत्र देना होगा। सीएम योगी का निर्देश है कि धार्मिक कार्यक्रम, पूजा पाठ आदि निर्धारित स्थान पर ही हो। ये सुनिश्चित करें कि सड़क मार्ग यातायात बाधित कर कोई धार्मिक आयोजन ना हो। हर एक पर्व शांति और सौहार्द के बीच संपन्न हो, इसके लिए स्थानीय जरूरतों के दृष्टिगत सभी जरूरी प्रयास किए जाए। शरारतपूर्ण बयान जारी करने वालों के साथ कड़ाई से पेश आया जाए। माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले अराजक तत्वों के साथ पूरी कठोरता से पेश आए। ऐसे लोगों के लिए सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। सूबे के हर एक नागरिक की सुरक्षा हम सभी की जिम्मेदारी है। हमें अपने इस दायित्व के प्रति सदैव सतर्क और सावधान रहना होगा।